What's up guys, welcome back to my channel और स्वागत है आप सभी का एक brand new video में। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, I just finished having my coffee, shower भी ले लिया है, perfume लगाया है, तैयार हो गया हूँ। अभी मैं जाके breakfast खाने वाला हूँ और 11 बजे मुझे हुसैन को मिलना है at a society gym। मुझे वो Cloud9 में मिल रहा है और उसके बाद वो मुझे लेके जा रहा है because I don't know where this gym is। उसने बोला था कि काफ़ी अच्छा जिम है क्योंकि आज Evolve बंद है, सो इवन दो इट्स संडे, आज सेकेंड संडे पे नॉर्मली खुला रहता है लेकिन ड्यू टू मेंटेनेंस बंद है। तो अभी मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस कॉल्ड बटर वाला, उधर एक अच्छा तंदूरी चिकन ऑमलेट मिलता है तो मैं वो खा के फिर उसके साथ जिम जाने वाला हूँ। सो आई हैव टू गो लिटिल अर्ली क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है, सो आई नीड सम टाइम टू डाइजेस्ट। कांट फाइंड माय की यार। Milo, let's go. Come on. Good boy. Chal. मैं आपको 74 कर रहा हूँ गूगल पे वो नंबर पे। ओके तो कंप्लीट abilities meant for me. Let's dive in, create a problem just to fix it, the perfect fit. We're back to time, catching up on all the things we miss, all our interests. मुझे पता नहीं बट इतना धूप था अराउंड 1 बजे जब मैं जिम से निकला था एंड व्हाइल आई वाज कमिंग होम इतना बारिश होने लग गया। लकीली मैं भीगा नहीं हूँ बट अगर आप बाहर देखोगे
I don't think you can see it, but काफी बारिश हुआ है in the last 10-15 minutes. सब भीग गया है. Getting bigger. तो मैं आप सबको आज के वर्कआउट के बारे में बताना चाहता हूँ. काफी अच्छा वर्कआउट था. We did mostly only machines, खाली lateral raises किए थे and tricep push down जो मैं record करना भूल गया. Those are the only two exercises we didn't do on a machine. वो जिम में वो सोसाइटी जिम है नेक्स्ट टू एवॉल्व से आई थिंक 5 मिनट दूरी है. सो काफ़ी अच्छा जिम है एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग आउट देयर. वो मशीन वो एक ही मशीन था वेरी गुड टू फ्लैट इनक्लाइन एंड शोल्डर प्रेस ऑल इन द सेम मशीन. वो काफ़ी अच्छा मशीन था. आई रियली लाइक इट. उधर ही हमने 10-11 सेट उधर ही हमने बताए थे. ओवरऑल एक बहुत अच्छा वर्कआउट था. मेरा चेस्ट तो अभी भी फट रहा है. इवन माई शोल्डर्स आर फीलिंग रियली सोर और मुझे सिर्फ 2 घंटे हो गए घर पे आके. अभी मैं मेरा पोस्ट वर्कआउट में ही खाने आ रहा हूँ क्योंकि मैं तो अभी भूल गया था खाने. आई वाज डूइंग सम टाइम पास ऑन माय फोन तो अभी वो जाके बनाते हैं. मैं चिकन खरीदने आ रहा था बट आई सॉ दैट बारिश होने आ रहा है तो आई जस्ट हैव एग्स अगेन और थोड़े टाइम में जाके चिकन खरीद के फिर मैं चिकन सैंडविच खाऊंगा. ये है आज का पोस्ट वर्कआउट मील. 4 whole eggs विद 2 slices ऑफ चीज और जितने भी ब्रेड स्लाइस लगे मुझे लग रहा है 5 लगेंगे. तो अभी मैं ये ख़त्म करूँगा और आप सभी को इसको खाने के बाद मिलूंगा. तो मैंने मेरा ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया है. आई फिनिश माई मील जो था 4 whole eggs विद 2 slices ऑफ चीज एंड 5 slices ऑफ ब्रेड. मैंने केचप लाया था पर मैंने उसको डालना ही भूल गया. सो वो केचप का कुछ यूज ही नहीं था. और आई थिंक आपने वो टाइम लास्ट में मेरा जो भी सप्लीमेंट्स मैं लेता हूँ एंड टैबलेट फॉर्म वो देखा रहेगा. सो आई शो इट यू गाइस. आई ओनली यूज अश्वगंधा पिशवल जो खत्म हो गया है एंड मल्टीविटामिंस. अश्वगंधा एक काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है. अगर आपको लेना है आप ले सकते हो. लाइक आई जस्ट स्टार्ट हैविंग इट एंड आई ऑलरेडी फील द इफेक्ट्स. ऑनेस्टली यू फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेस रिलीफ. आप जब भी आप हंसते हो आप ज़्यादा हंसोगे एंड योर स्लीप क्वालिटी विल बी मच बेटर. सो आप ट्राई कर सकते हो. दिस हेल्प्स अ लॉट. द अदर सप्लीमेंट्स दैट आई टेक और जो मैं कंज्यूम करता हुआ वे प्रोटीन एंड क्रिएटिन जो मैं आज से चालू करने वाला हूँ. मैंने पिछले 6-7 महीने से क्रिएटिन नहीं लिया है और मैं इतना एक्साइटेड हूँ क्रिएटिन वापस लेने के लिए क्योंकि आई रिमेंबर द इफेक्ट्स ऑफ क्रिएटिन जब मैंने स्टार्टिंग में लेना चालू किया था. सो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट अगेन. तो भाई इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाके लाइक करो. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जाके करो. इससे मुझे बहुत मदद होती है. और कोई फ्यूचर वीडियो मिस नहीं करना है गो हिट द बेल आइकॉन. यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा जब भी मैं एक वीडियो रिलीज करता हूँ. टेक केयर गाइज. मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ.